Let us start. Arbitration and Conciliation Act 1996. Levelease Act में 2016 में major structural changes आए थे और Act में काफी कुछ additions हुए. As always discussed background of this Act, Arbitration Conciliation Act. I'll refer to first that Section 28 of Indian Contract Act, जो कहता है agreement instead of legal proceedings. कोई भी एग्रीमेंट जब दो पार्टीज में होता है कि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड होता है. पर उसमें एक एक्सेप्शन दिया है, अगर पार्टीज में ये एग्रीमेंट होता है कि उनके बीच का डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जाएगा कोर्ट की जगह पर, वो डिस्प्यूट और वो एग्रीमेंट वैलिड है. मतलब गवर्नमेंट चाहता है कि कोर्ट का बर्डन कम हो, गवर्नमेंट चाहता है कि कोर्ट के अंदर के जो केसेस है कम हो, जो छोटे मोटे मैटर्स है, सिंपल मैटर्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, वो मैटर्स अगर आउट ऑफ द कोर्ट कहीं और सेटल हो गए तो कोर्ट का जो कीमती समय है वो इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए यूज किया जा सकता है. आर्बिट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इंट्रोड्यूस करने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक और रीजन वही था. और गवर्नमेंट ने कहा जो पार्टीज अपने डिस्प्यूट को इस एक्ट के तहत सुलझाना चाहते हैं वो लोग पहले आपस में कॉन्सिलिएशन करें, मतलब सेटलमेंट करें. जब सेटलमेंट मुमकिन नहीं है और कोई व्यक्ति सेटलमेंट के लिए राजी नहीं है तो आर्बिट्रेशन में जा सकते, जिसको लेकर मैं अक्सर डिस्कस करता हूं कि आपके घर में आपके भाई बहनों में जब झगड़ा हुआ तो आप पहले क्या करते हो, कॉन्सिलिएशन, सेटलमेंट कर लेते हो. जब आप तक ही झगड़ा सीमित है, पर झगड़ा जब बढ़ जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो उस केस में घर वालों को इंटरफेयर करना पड़ता है तो वो मैटर आर्बिट्रेशन वाला मैटर बन जाता है. मतलब हम कहते हैं आर्बिट्रेशन में एक थर्ड पार्टी रोल प्ले करता है जो कि इंडिपेंडेंट, ड्यूली क्वालिफाइड एंड अनबायस्ड होता है. अदर थिंग्स रिंग द सेम. अब मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर में उन्होंने कहा है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट में सबसे पहले डिस्प्यूट हुआ तो कॉन्सिलिएशन, और उसके बाद अगर कॉन्सिलिएशन नहीं हो पाया तो आर्बिट्रेशन. अगर मैं कहूं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो आई विल से यू कैन जस्ट रीड इट. चैप्टर के अंदर न्यूट्रल वे में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कराने को लेकर, देन चैप्टर कवर्स ऑल द नेशनल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ड्यूली क्वालिफाइड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है. नॉट इज अ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तो हम कहते हैं जब डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट होता है उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, एक से ज्यादा पर्सन अपॉइंट हुआ तो उनको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं. तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्वालिफाइड होना चाहिए. और जो भी फॉरेन अवार्ड्स है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उन अवार्ड्स को भी एनफोर्स कराने के लिए इस एक्ट में प्रोविजन है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. वी स्टडी इट. इनफैक्ट अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन इन द डिसेंबर एग्जाम फॉर 5 मार्क्स. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट विल गो टू इट. जैसे कहा पॉइंट्स टू बी स्टेट में कोर्ट किसे कहेगा, कोर्ट का रोल क्या है. सी, हालांकि अगर एक बार पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि मैटर विल रिजॉल्व बाय आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन तो उस केस में वो मैटर कोर्ट में जा नहीं सकता. कोर्ट का रोल इस चैप्टर में क्या है, अगर आर्बिट्रेटर का फैसला या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फैसला सही प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हुए नहीं आया एंड यू आर एग्रीड बाय द ऑर्डर, यू फील दैट दे हैव नॉट डन इट प्रॉपरली, तो आप उनके ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए कोर्ट में जा सकते हो. इसलिए कोर्ट डिफरेंट है. इस मैटर में उन्होंने कहा इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो तरह के डिस्प्यूट्स हैं, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता है उसमें से एक पार्टी इंडिया के बाहर की होती है डिस्प्यूट वाली, विच कैन बी अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और एनी अदर फॉरेन बॉडी. वन पार्टी मतलब वन पार्टी फ्रॉम इंडिया, वन पार्टी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जब ऐसा डिस्प्यूट होता है. और ऐसे डिस्प्यूट का जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में फैसला आता है वो फैसला अगर आपको मंजूर नहीं है तो यू कैन गो इन अपील और सेट असाइड टू द हाई कोर्ट. हालांकि फैसला फाइनल बाइंडिंग होता है बट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का फैसला, मैंने कहा इस चैप्टर में सेक्शन 34, उस सेक्शन 34 के ग्राउंड्स पर अगर आपको लगता है यू वांट टू चैलेंज तो यू कैन गो इन, वेदर यू हैव टू गो इन हाई कोर्ट डायरेक्टली, हाई कोर्ट में जा सकते हो. बट एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट है उसमें आर्बिट्रेटर का फैसला है, आप कुछ नहीं हो, यू कैन गो फर्स्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट, और अगर सिविल कोर्ट के बाद उसी हाई कोर्ट में जिस जुरिसडिक्शन में सिविल कोर्ट आता है.
मतलब हम कहते हैं इस चैप्टर में डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स सीक्वेंस में पहले इंटरनेशनल कमर्शियल सीधा हाई कोर्ट में सेट कर लिया जा सकता है। प्लीज लिसन, कोई भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस या इंफीरियर कोर्ट जो हम डिस्कस करें स्पेशल कोर्ट्स एंड ऑल दैट, उनको इस चैप्टर के तहत कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। इट इज आइदर सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट फॉर डोमेस्टिक मैटर्स। अरे बोलो, समझ रहे? इस चैप्टर में एड हॉक आर्बिट्रेशन दिया। एड हॉक मतलब क्या? ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन कॉन्सेशन एक्ट, लिसन केयरफुली, आर्बिट्रेशन कॉन्सेशन एक्ट में उन्होंने दिया दो पार्टीज में अगर डिस्प्यूट होने को लेकर कोई बात है तो देखकर इंटेंट टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। इस चैप्टर के तहत आर्बिट्रेटर का ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आर्बिट्रेटर की इतनी फीस होगी, सब दिया चैप्टर में। बट जो दो पार्टीज डिस्प्यूट में वो कहते हैं हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, बट हमारा खुद का प्रोसीजर डिफाइन करते, हमें इस चैप्टर के प्रोविजन नहीं चाहिए, हमारा आर्बिट्रेटर हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे और उसकी फीस भी हम डिसाइड करेंगे। इसको कहते हैं एडहॉक। एडहॉक आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन कॉन्सेशन एक्ट के कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, उसकी फीस वो खुद डिसाइड करते हैं, और ऐसे केस में टाइम लिमिट वगैरह इस चैप्टर का एप्लीकेबल नहीं है। हम कहते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होता है, फास्ट और स्पीडी ज्यादा होता है, और इसलिए इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। एड हॉक आर्बिट्रेशन मतलब कहने के लिए आर्बिट्रेशन है, बट पार्टीज आर्बिट्रेशन कॉन्सेशन एक्ट के कोई प्रोविजन उसमें फॉलो नहीं कर रहे, दे हैव देयर ओन एग्रीमेंट। फिर आता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जिसको मैंने कहा एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अवार्ड, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का फैसला होता है जजमेंट, उसको अवार्ड कहते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, हाँ यहां पर मैं दो मिनट लूंगा, जो एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में होता है इन राइटिंग में, डिस्प्यूट होने से आर्बिट्रेशन में जाना है, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। कोई डिस्प्यूट होने पर वो एग्रीमेंट यूज होगा, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं एक सेपरेट क्लॉज के तहत, क्या कहते हैं? सेपरेट क्लॉज के तहत आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इंसर्ट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या फिर डिस्प्यूट होने के बाद एक सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंटर हो सकता है। इट कैन बी द फॉर्म ऑफ अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और अ सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो हम कहते हैं इन राइटिंग होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए पार्टी से, देन बोलो वो एक डिस्प्यूट के कारण होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी इन अ फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑल्सो, it need not be writing, it can be electronic forms. arbitration, arbitration jab kehte hai to ke maine kaha arbitration more formal hai, kya hai? formal official tarike se arbitration mein ek arbitrator appoint hoga ya ek se zyada arbitrator hai to arbitral tribunal hoga jo 1, 3, 5, 7 odd number mein honge। dono parties milkar agar kisi ek arbitrator ko appoint karne mein agree ho gaye achhi baat hai, पर अगर दोनों पार्टीज मिलकर किसी एक को अपॉइंट करने में एग्री नहीं होते तो दोनों मिलकर जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहा है तो तीन आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे, दोनों एक ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे, और वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे जो प्रिसाइडिंग होंगे, और वो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर को दोनों आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करते 30 डेज में, या एक पार्टी ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया 30 डेज में, तो फिर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जिस पर्सन को या जिस इंस्टीट्यूशन को डेलीगेट किया है तो अपॉइंट आर्बिट्रेटर, वो बंदा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। अरे बोलो, सो एजेंसी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सब लोग हैं आर्बिट्रेशन में आपको अपॉइंट लिखना है। फिर आर्बिट्रेटर जो भी अपॉइंट होगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो ड्यूली क्वालिफाइड होना चाहिए, वो अनबायस्ड होना चाहिए। आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को आप चाहो तो चैलेंज कर सकते हो, उसके अपॉइंटमेंट होने के 15 डेज में कर सकते हो, या फिर आपने खुद आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया था बट आपने आपका क्लेम ऑफ डिफेंस रखने से पहले आप उसका अपॉइंटमेंट चैलेंज कर सकते हो। अगर चैलेंज कर दिया बट इस चैलेंज से आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स रुकेगी नहीं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज अ पावर टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स। अरे बोलो, कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन आल्सो नोन एज सेटलमेंट। कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन में फर्क है, कॉन्सिलिएशन इनफॉर्मल है। कॉन्सिलिएशन में इट कैन मीन एनी नंबर 0, 1, 2, 3, 4 कॉन्सिलिएटर्स होते हैं, वो प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर, वो दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होने पर सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं और दोनों को भेजते हैं, दोनों से पढ़कर अगर उन्हें मंजूर है तो साइन कर देते हैं। जैसे साइन होगा कॉन्सिलेटर्स वो फाइल कर देंगे कोर्ट में और वो कॉन्सिलेशन सेटलमेंट एग्रीमेंट बाइंडिंग है। बट अगर एक भी पार्टी उस सेटलमेंट एग्रीमेंट से खुश नहीं है तो कॉन्सिलेशन फेल्स एंड इट गोज इन आर्बिट्रेशन। सो लोग हैं, देन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव टर्म, ये कब काम में आता है?
अगर कोई पर्सन जिसके खिलाफ डिस्प्यूट चल रहा है और अगर उसका डेथ हो गया तो उसके डेथ के बाद उसने जिसको अपॉइंट किया हुआ है अपने विल में या अपने नॉमिनी लीगल है कहते हैं वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसने किसी को भी अपॉइंट नहीं किया लीगल या नॉमिनी और जिस पर्सन के ऊपर उसकी असेट डिवॉल्व होती है डिवॉल्व ऑन हिज डेथ तो वो बंदा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा या एनी पर्सन हो इंटरमीडियंस विद द प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटिव लॉयर मतलब उस पर्सन के आगे पीछे भी कोई नहीं है ना ही उसको किसी ने उसने किसी को अपॉइंट किया तो उसका जो इंटरमीडियरी लॉयर इंटरमीडियंस विद द प्रॉपर्टी वो उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा एंड ही विल रिप्रेजेंट द केस लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डेफिनेशन एड हॉक आर्बिट्रेशन का टर्म एंड उसके बाद कोर्ट का डेफिनेशन ये तीनों डेफिनेशन एग्जाम में एक ही ईयर में दिसंबर 2014 में चार चार मार्क के लिए पूछे हुए मतलब 16 मार्क के लिए 12 मार्क के लिए तीन डेफिनेशन कोर्ट एड हॉक आर्बिट्रेशन एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन तीनों डेफिनेशन एक ही एग्जाम दिसंबर 2014 2014 Because लोगों का विश्वास कोर्ट के बाद किसी और में नहीं ये रुडिमेंटरी फॉर्म है इसको लेकर वो कहते हैं एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सोसाइटी जो एक सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट है और उन्होंने अपने अंडर में कुछ लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया एज आर्बिट्रेटर्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जब किसी लोग कुछ लोगों में झगड़ा हो जाता है फैमिली डिस्प्यूट है लेबर डिस्प्यूट है तो वो ICDR को जाके कहते हैं प्लीज आप आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करो तो ICDR आर्बिट्रेटर्स रेकमेंड करता है और वो आर्बिट्रेटर्स इस पर्टिकुलर मैटर में अपना जजमेंट देते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी मैंने कहा आर्बिट्रेशन में वही मैटर्स जाते हैं जो क्या है लेस सीरियस फैमिली मैटर्स लेबर डिस्प्यूट्स commercial disputes, contracts, infringement of rights and all that हो जाएंगे मतलब more serious cases या जिन cases के लिए जिन matters के लिए special act है जैसे income tax matters के लिए income tax act है matrimonial matters है उसके बाद हम कहते हैं वसीयत will का कोई matter है हिंदू succession act validity of the will को लेकर जहां पर भी special criminal procedures है CRPC जहां पर भी special act है वो matters arbitration में जाएंगे So, arbitration agreement हम discuss किया हुआ है, उसके essentials discuss किया, matters which cannot be referred to arbitration discuss किया, essentials of arbitral award, जो award आता है, किसका arbitral tribunal का, उसके क्या-क्या essentials है, उसके लेकर acronym कहते हैं, W.S. Baker's, Dhole Patil Road पर, CCD के सामने, so Dhole Patil Road है ना, CCD के सामने, तो इधर जो भी arbitral award है वो writing में होगा, वो जो भी signed होगा, उसके ऊपर date होगा, release होगा, reason for the award होगा, cost होगा, उसके बाद में compensation की बात होगी and उस order की copy party इसको delivery होती है, कितना आसान है? W.S. Baker's Dhole Patil Road पर CCD के सामने, है नहीं मैं example है, which already have discussed, very good class, अरे बोलो, international commercial arbitration में दिखा है? क्या होता है इंटरनेशनल कमर्शियल में एक पार्टी इंडिया के बाहर की है डिस्प्यूट में प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स वो भी मैंने डिस्कस किया पार्टीज मिलकर पहले डिसाइड करेंगे प्रोसीजर अगर वो एग्री हो पाए अच्छी बात है नहीं हो पाए तो दोनों मिलकर एक अपॉइंट करें वो ऑड नंबर में होनी चाहिए प्रोसीजर टू चैलेंज अपॉइंटमेंट आई हैव डिस्कस दैट जरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जब आपको लगे कोई मैटर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जरिस्डिक्शन में नहीं आता उस केस में आप ट्रिब्यूनल के पास जाओ You can challenge it. Tribunal को लगे कि वो आता है उनकी judicial में, they can proceed it and they can continue to pass the judgment. अरे बोलो, tribunal ने अपना award pass करते हो, judicial of arbitral tribunal, किसी agreement को जो parties के बीच में होता, उस agreement को null and void करा दे दिया, तो उससे arbitration का clause null and void नहीं होगा, it remains valid, क्योंकि agreement null and void होने पर arbitration valid रहना चाहिए. अरे बोलो, then arbitral proceedings कार्रवाई वो कहते हैं जो भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है कार्रवाई वो पार्टीज म्यूचुअली मिलकर डिसाइड करते हैं प्लेस टाइम एंड आर्बिट्रेटर्स पर अगर पार्टीज म्यूचुअली मिलकर डिसाइड नहीं कर पाते तो इन दैट केस
वो कहते हैं एट अ रीजनेबल प्लेस राइट ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स एंड नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो उस प्रोसीडिंग को कैरी आउट करेंगे. आर्बिट्रेटर्स क्या करते हैं, दोनों पार्टीज को शो कॉज नोटिस देते हैं और प्लेंटिफ को कहते हैं तुम्हारा क्लेम हमारे पास दो, डिफेंडेंट को कहते हैं तुम्हारा डिफेंस हमारे पास सबमिट करो. दोनों का क्लेम डिफेंस आने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी. अगर प्लेंटिफ ने क्लेम नहीं दिया तो दे विल डिसमिस द केस एंड पास द जजमेंट इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट. डिफेंडेंट ने डिफेंस नहीं दिया तो भी एक्स पार्टे वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी. जब भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपने प्रोसीडिंग्स और कार्रवाई करते वक्त लगा किसी मैटर पे उन्हें कोर्ट के रेफरेंस मतलब ओपिनियन की जरूरत है, दे कैन रेफर द मैटर टू हाई कोर्ट. उन्हें लगा किसी एक्सपर्ट की मदद की जरूरत है, वो एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं. हाई कोर्ट का ओपिनियन, एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने के बाद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड पास करेंगे. जो भी अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का होगा वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा ऑन बोथ द पार्टीज एक्सेप्ट दैट अवार्ड इज सेट असाइड अंडर सेक्शन 33 और अंडर सेक्शन 34 नॉट सेक्शन 33. जब कोई अवार्ड पास होता है अवार्ड की कॉपी आपके हाथ में आई, उस अवार्ड के अंदर आपको कुछ मिस्टेक नजर आए, ये अवार्ड पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन अप्लाई टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेइंग दैट प्लीज गिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द अवार्ड और प्लीज वी रिक्वेस्ट यू टू फॉलो consider pass an additional award because their circumstances have changed. अगर आप arbitral tribunal को request करोगे interpretation of award तो वो 30 days में आपको interpret करके award का meaning समझेंगे. अगर आप request करोगे to pass an additional award कि वो order जो award आया उसके अलावा additional award का request किया तो arbitral tribunal 30 days के अंदर again आपको additional award pass करेंगे. 60 days के अंदर additional award pass करेंगे notice लेंगे. अरे बोलो भाई, अगर आप अवार्ड से खुश नहीं हो, सेक्शन 34 कहता है यू कैन सेट असाइड द अवार्ड फॉर द ग्राउंड गिवन इन सेक्शन 34 जिसमें आपको 3 महीने के अंदर कितना विद इन 3 मंथ्स ऑफ द अवार्ड यू हैव टू सेट असाइड और अगर वैलिड रीजन रहा तो आगे एक्सटेंशन और 1 महीने का मिलेगा टू सेट असाइड अवार्ड सॉरी टू सेट असाइड द अवार्ड. बट अगर आपको अवार्ड सेट असाइड करने के लिए कोर्ट में जाना है तो पहले अपोजिट पार्टी को नोटिस देना है कि हमें ये आर्बिट्रल अवार्ड मंजूर नहीं है, हम सेट असाइड करने जा रहे हैं, उसके लिए एफिडेविट देना है. जब वो अपोजिट पार्टी को नोटिस मिला है, आपने कोर्ट को एफिडेविट दिया कि हमने अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म किया है, तब कोर्ट आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा. वो जो सेट असाइड वाला पॉइंट है 34 में हम देखेंगे. सब लोग हैं पर बोलो. देन फाइनलाइजेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड आई डिस्कस्ड, इंटरप्रिटेशन एंड करेक्शन ऑफ द अवार्ड आई डिस्कस्ड, ग्राउंड्स ऑन व्हिच अवार्ड मे बी सेट असाइड वो डिटेल में देखेंगे. एंड में सेटलमेंट एग्रीमेंट आई डिस्कस्ड, डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन आई डिस्कस्ड. जिसको लेकर मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है पॉइंट नंबर 15-16. क्या लिखा है, टाइम लिमिट फॉर अवार्ड एंड फास्ट ट्रैक अवार्ड, फास्ट ट्रैक अवार्ड. देखो जब मैटर आर्बिट्रेशन में जाता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, वो कहता है यूजुअली ट्रिब्यूनल को 1 साल का वक्त मिलता है, कितना 1 ईयर टाइम लिमिट टू पास एन अवार्ड. अगर 1 साल बाद नहीं हुआ तो पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से आगे 6 महीने तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं, मतलब 18 मंथ्स 1+6 और ये प्लस 6 मंथ. अरे बोलो 18 मंथ्स पे भी नहीं हुआ उसके बाद अगर एक्सटेंशन देना है देन यू हैव टू गो इन द कोर्ट ऑफ लॉ. आपका एप्लीकेशन एक्सटेंशन के लिए कोर्ट को 60 दिनों में कितना 60 डेज में डिस्पोज करना है, एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कोर्ट को जो उचित लगे वो ऑर्डर पास होगा. सब लोग हैं, ये हुआ नॉर्मल केस में अवार्ड पास करने के लिए टाइम लिमिट. बट अगर आपको आर्बिट्रेशन में जाना है और मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिजॉल्व करना है तो आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के लिए सुन लो कंपलसरी वो कहते हैं पार्टीज के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, सारे के सारे क्लेम्स और डिफेंसेस इन राइटिंग में होंगे बिकॉज़ फास्ट ट्रैक में कोई ओरल हियरिंग होता नहीं है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को उस केस में 6 महीने में ऑर्डर पास करना फास्ट ट्रैक में. क्यों, सारे इन राइटिंग में प्रोसीडिंग्स है, क्लेम्स कोई ओरल हियरिंग नहीं है, पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट है. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल 6 महीने में क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा. 6 महीने में पास नहीं कर पाया तो अगेन पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से एक्सटेंशन 6 मंथ्स का दे सकते हैं. उसके बाद भी नहीं कर पाया तो आगे कोर्ट को डिसाइड करना एक्सटेंशन देना है कि देना विद इन 60 डेज. अगर कोर्ट को लगा जो भी डिले हो रहा है नॉर्मल अवार्ड में या फास्ट ट्रैक अवार्ड में वो आर्बिट्रेटर की वजह से हो रहा है तो कोर्ट हर महीने के डिले के लिए 5% ऑफ फीस रिड्यूस करेगा. अगर अवार्ड जीएम तरीके से डिले हो रहा है तो उन आर्बिट्रेटर को एक्स्ट्रा फीस का भी प्रावधान है. अरे बोलो सब लोग हैं, दैट इज टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रेशन अवार्ड एंड फास्ट ट्रैक. लास्ट जो मैंने डिस्कस करना था ग्राउंड्स ऑन व्हिच कोर्ट में सेट असाइड, आई रिक्वेस्ट यू ऑल
वो पॉइंट आप जरूर देखो, उसको लेकर सेवन मैटर्स है पेज नंबर 9 पर। सब लोग हैं? क्या दिया है? ग्राउंड कॉन्वेंशन कोर्ट में सेट असाइड। कोई पार्टी अगर अप्लाई करेगा तो कोर्ट सेट असाइड करेगा, या कोर्ट के पास सुमोटो पावर है। कोर्ट के पास सुमोटो पावर कब है? जब कोर्ट को लगे कि वो जो अवार्ड पास हुआ था इट वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी, मतलब उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हुआ है, या फिर कोर्ट को लगा कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज नॉट कैपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन। कोर्ट का कहना है ये आर्बिट्रेशन में आप जाना ही नहीं चाहिए था, ये तो कोर्ट का मामला है, तब कोर्ट सुमोटो एंटर करेगा। पार्टीज कब जा सकते हैं कोर्ट में? जब कोई पार्टी को लगता है कि वो माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, वो कोर्ट में जाके सेट असाइड करने के लिए कह सकता है, या फिर आर्बिट्रल एग्रीमेंट इनवैलिड था, या फिर उन्हें प्रॉपर नोटिस शो कॉज नोटिस नहीं मिला था, या फिर अवार्ड डेल्ट विद अ डिस्प्यूट व्हिच वाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन, वो मैटर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के उनके जरिस्डिक्शन के बाहर जाता है, या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑड नंबर में नहीं था, कंपोजिशन वाज इन कॉन्फ्लिक्ट 1357 होना चाहिए। और ये जब अवार्ड पास हुआ तब दो ही लोग थे या चार ही लोग थे, 1357 नहीं था, तब उस केस में आप सेट असाइड करने के लिए जा सकते हो। क्या लिखा है? कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, इसको लेकर एक एक्रोनिम हमने बनाया था, वेरी गुड, PAAPI और उसके बाद CA, पापी CA जो आपको बहुत पसंद था। इन दैट पी स्टैंड्स फॉर, बोलो, पार्टी वाज अंडर इनकैपेसिटी, देन ए स्टैंड फॉर आर्बिट्रल एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, देन अगेन पी स्टैंड फॉर प्रॉपर नोटिस नॉट गिवन, ए स्टैंड फॉर आर्बिट्रल अवार्ड डाइट बियॉन्ड द स्कोप, कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वाज इन कॉन्फ्लिक्ट, पापी सी हो गया ना, इन शॉर्ट प्लीज, ये सेवन ग्राउंड्स है, सिर्फ सेवन ग्राउंड्स जिसको लेकर हम अवार्ड सेट असाइड करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, वरना आर्बिट्रेटर का फैसला एक बार आ गया इट इज फाइनल बाइंडिंग, आप फिर से कोर्ट में जा नहीं सकते, अगर जाना पड़ा तो फिर कोर्ट इस एक्ट का मतलब ही नहीं होगा। हाँ, सिर्फ इनमें से कोई ग्राउंड है तो ही जा सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फास्ट ट्रैक एंड टाइम, बिकॉज दैट 2016 में जो स्ट्रक्चर चेंजेस आए थे वो सबसे मेजर चेंजेस जिसको लेकर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। इज दैट क्लियर? एनीथिंग, आई गिव यू 2 मिनट्स, क्विकली रेफर टू द आर्बिट्रेशन एक्ट, कोई स्पेसिफिक पॉइंट अगर पूछना तो पूछो मुझे फटाफट से, नॉट टू डिस्कस जो क्वेश्चन दिए 38 क्वेश्चंस वो आपको रेफर करनी है, बट आर्बिट्रेशन एक्ट में कोई स्पेसिफिक पॉइंट पूछना पूछ लो फटाफट से।